नोटेशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि वेक्टर को किस तरीका से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए, किसी भी वेक्टर को आप जब लिखते हैं तो उसके ऊपर एक एरो का साइन देते हैं। किसी भी लेटर से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मैग्नीट्यूड भी इसमें लिखा जा रहा है, और उसके साथ साथ आप डायरेक्शन को भी इसमें ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीका से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन अगर केवल मैग्नीट्यूड को आप लिखना चाहो तो उसके लिए आपका ये सिंबल है, ठीक है। लेकिन ये लिखने में थोड़ा सा देर लगता है, तो हम लोग इसको सिंपल ऐसे लिख देते हैं, है ना। और इसके बाद अगर डायरेक्शन का बात रहा, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग कई बार यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर यानी कि ये वैसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 लिया जाएगा। और इसमें खास बात ये है कि ये यूनिट वेक्टर जो है एक्स, वाई और जेड को डिफाइन करने के लिए आई सिंबल और जे और के, आई जे और के, है ना, से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर आपको लिखा हुआ मिले 5i कैप, का सीधा मतलब है कि यह आपको एक्स एक्सिस में पाया जाएगा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड 5 होगा। लेकिन अगर -5i कैप का मतलब ये निगेटिव एक्स एक्सिस में आपको मिलेगा। अगर आप 5j कैप लिखते हैं तो ये आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस में नजर आएगा। तो इसी तरीका से ये क्या है, ये इसमें दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया। तो कई बार हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अगर हम लोग किसी भी वेक्टर को लिखते हैं तो हमें वेक्टर में दो चीज़ों को दिखाना होता है, एक मैग्नीट्यूड हो गया और दूसरा हो गया डायरेक्शन। तो ऐसा किया जाए, अगर हम लोग इन दोनों को शो करने के लिए एक एरो का यूज करें, है ना, जैसे इस तरीका से ये एक एरो हो गया। तो इस एरो का खूबी क्या होता है कि देखो, ये जो इसका हेड है ना, ये हेड डायरेक्शन को दिखा रहा है, ये जो हेड है वो डायरेक्शन को दिखा रहा है। और देखो ये जो टेल इसका है, या तो ये स्टार्टिंग पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को ये शो कर रहा है। और इसके अलावा इस एरो का जो भी लंबाई यहाँ पर है वो मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, बिल्कुल ये मैग्नीट्यूड, है ना। तो इसलिए किसी भी वेक्टर को हम लोग एरो से ही रिप्रेजेंट करते हैं। बात रहा डायरेक्शन का, तो इसमें डायरेक्शन भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक चीज़ देखो, जैसे मान लो कोई वेक्टर 5 दिया हुआ है, है ना, तो चलो ठीक है, इस वेक्टर का मतलब हो गया 5, ठीक है। लेकिन अगर इसी वेक्टर 5 में कोई गुना कर दिया 2, है ना, ध्यान दो ये हमारा वेक्टर है और ये हमारा स्केलर है नंबर, है ना। तो अगर इस वेक्टर 5 में 2 से गुना किया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर जो 1 टाइम्स देख रहे हो, अब हमें इस वेक्टर को 1 टाइम और लेना होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 times 5 आया। तो 2 times का मतलब ये हुआ कि इतना इतना एक बार नहीं बल्कि 2 बार हमें लिखना पड़ेगा, समझे। लेकिन डायरेक्शन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आएगा, है ना। इसके बाद हम लोग डायरेक्शन को किस तरीका से शो करेंगे।
इसके लिए नियम ये है कि कोई भी आपको वेक्टर दिया गया है, आप इसका जो टेल देख रहे हो, इस टेल से आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रा करो, जिसमें एक आ जाएगा आपका एक्स एक्सिस और एक आ जाएगा वाई एक्सिस। आप यहाँ पर देखते हो कि ये जो मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, तो यह वेक्टर इससे दो एंगल बना रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज में जो ये इतना छोटा एंगल है, और आप देखिएगा ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी एक एंगल बना रहा है ना। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि देख लेते हैं ये छोटा एंगल है और ये बड़ा एंगल है, तो जो छोटा एंगल होता है हम लोग उसी एंगल को थीटा मान लेते हैं या कोई और सिंबल मान लेते हैं। तो यही जो एंगल है ना, यही डायरेक्शन को शो करता है। उदाहरण के तौर पर अगर मान लो कि इस तरीका से हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, कोई वेक्टर ऐसे दिया गया है, तो यहाँ पर भी दो चीज़ें आएंगी। एक तो हम एंगल का मेजरमेंट यानी डायरेक्शन का मेजरमेंट जब भी होगा तो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही होगा। इसमें भी दो डायरेक्शन आ रहा है, देखो एक क्लॉकवाइज में एक एंटी क्लॉकवाइज में, हमें उससे मतलब नहीं है। इन दोनों में ये एंगल छोटा है तो चलो इसी एंगल को हम लोग डायरेक्शन मान लेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर एक वेक्टर क्वांटिटी दिया हुआ है ना, तो उस वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होगा वो एंगल के थ्रू दिया जाएगा। यहाँ पर भी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका भी जो डायरेक्शन है वो एंगल से ही दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीका से हम लोग डायरेक्शन के विषय में बात करते हैं, और कैलकुलेशन में यह डायरेक्शन कई बार टैन थीटा के रूप में सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखें, ये तो हुआ एक वेक्टर। अगर हमारे पास कंडीशन यह हो कि दो वेक्टर दिया हुआ, ठीक है, इस तरीका से मान लो ये वेक्टर ए है ना, और ये वेक्टर बी है। मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और एक और कंडीशन ले लेते हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इन तीन अलग अलग केस में इसमें ज्वाइनिंग हमारा टेल टू टेल है, इसमें ज्वाइनिंग क्या है टेल टू हेड है, और इसमें ज्वाइनिंग हमारा हेड टू हेड है। जब तीन अलग अलग प्रकार से वेक्टर आपको मिलेंगे तो एंगल को नापने के लिए आप टेल टू टेल का यूज कीजिए, क्योंकि इसमें होता क्या है कि देखिए एक ये छोटा एंगल बन रहा है ना, और इसके साथ साथ ये एक बड़ा एंगल भी बन रहा है, तो आप एंगल छोटा वाला को लें, बड़ा वाला को नहीं लें। इसमें क्या कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर टेल टू हेड ज्वाइंट है, बी का जो हेड है वो ए के टेल पे है ना, तो इसको आप ऐसा कीजिए कि जो बी है ना, वेक्टर जो बी है आपका, आप इसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए ऐसे, इस तरीका से आप इसको शिफ्ट कीजिए, ये हमारा बी हो गया, और इसको ऐसा आगे की ओर शिफ्ट कीजिए कि दोनों का टेल एक पॉइंट पर हो जाए। अब टेल टू टेल जो एंगल आएगा वही इन दोनों के बीच का एंगल बोला जाएगा। इसमें क्या कीजिएगा, इसमें आप ऐसा कीजिए कि किसी भी एक वेक्टर को उसी तरीका से बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट कीजिए, ठीक है, तो ये बी है तो ये भी बी है, और फिर आपको टेल टू टेल ज्वाइन हो गया, यानी ये आपका एंगल हो जाएगा। क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल है, तो कमाल की बात है कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो इस तरीका से अगर दो वेक्टर आपको दिया जाए है ना, तो किस तरीका से उनके बीच का एंगल लेना है वो आपको समझ में आया। अब आगे देखिए,